गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 88। देखिए इसमें जो एक्सरसाइज है मैं बताती हूँ कैसे होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अलग से फोटो वोटो नहीं जाएगा, ठीक है? इसी को समझिए ध्यान से, मैं इसी में बता रही हूँ क्या करना है। पहले देखिए ये 10 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है क्लास सेवन, और हर सेंटेंस के सामने आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको ये सेंटेंस किस में चेंज करना है, ठीक है। मैं बता रही हूं हर एक में, राइटिंग नहीं करूंगी, बोलूंगी आप नोट करेंगे किस में क्या करना है, ठीक है। देखो, I had not heard from you from a long time. अब आपको पहले मैं ये समझा दूं, क्योंकि ये मिक्सचर है इसमें सब टेंस वगैरह, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में मेन डिफरेंस क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में मेन डिफरेंस क्या है, समझिएगा तभी आप एक एक्सरसाइज कर पाएंगे। यदि इज आर एम का यूज होता है तो प्रेजेंट टेंस में इज आर या एम आएगा, पास्ट टेंस में वॉज या वर आएगा, और फ्यूचर टेंस में हमेशा जान लो कि विल या शैल तो जरूर आता है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में कोई भी हो, फ्यूचर इनडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, विल या शैल का यूज जरूर होता है। अब यदि हैज और हैव की बात हमें करनी है तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव, लेकिन पास्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर टेंस में विल हैव, विल हैज कभी नहीं होता, विल हैव, शैल Have, will या shall के साथ have, has नहीं लगाओगे, ठीक है ना। और अब has और have में क्या फर्क है, कई बार बताया गया है कि he, she, it और singular के साथ has, I, we, you, they और plural के साथ have, ठीक है, ये जानकारी आपको भी। यदि फ्यूचर टेंस में कहीं विल आया है और आपको पास्ट टेंस बनाना है तो विल का वुड हो जाएगा, ये जानकारी भी रखिए, विल का वुड हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर, देखा जाए क्या क्या इसमें दिया है। तो फर्स्ट जो इनका सेंटेंस है उसको इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में चेंज करो। अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, आई हैड लिखा है, हैड लिखा है पास्ट टेंस है, तो हैड का प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको हैज या हैव में चेंज करेंगे, करेंगे ये फर्स्ट सेंटेंस का प्रेजेंट टेंस में बता रही हूं कि कैसे बनेगा। तो हैड को हमने देखा, हैड बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसको हमें हैज या हैव में चेंज करना होगा, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव, ठीक है, आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। अब फ्यूचर टेंस देखिए, तो फ्यूचर टेंस में क्या होना चाहिए, हालांकि सेंटेंस बहुत सही नहीं बैठेगा फ्यूचर टेंस में, मैं तुम्हें लंबे समय तक नहीं देखूंगा, ये कोई सेंटेंस तो बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अब दिए हैं तो मैं बना देती हूं। विल हैव हो जाएगा, हमने कहा विल हैव, आई विल हैव नॉट, फिर सब कुछ वही। सेकेंड है टुमारो राहुल विल कम, विल आया है यानी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है,
will come from school with a glow. Present tense बनाना है, कैसे बनाएं? यदि हम comes लिखते हैं तो sentence सही नहीं आता है, habitual fact तो है नहीं कि रोज वो glow के साथ आएगा. तो क्या करना चाहिए present tense बनाने में? तो present tense बनाने में हम कहेंगे, पहली बात तो कि tomorrow future tense को बताता है, इसको today करना होगा, टुडे. ठीक है, आज की बात है टुडे. राहुल हैज कम कर दिया जाए, आज राहुल आया है. राहुल हैज कम फ्रॉम स्कूल विथ अ ग्लो. Today Rahul has come from school with a glow. ठीक है, अब यदि हमें past tense बनाना है तो past tense तो आप आसानी से बना सकते हैं. Tomorrow का कर दीजिए yesterday. Past tense में tomorrow का yesterday. ठीक है, Rahul विल कम का हो जाएगा केम. राहुल आया, यस्टरडे राहुल केम फ्रॉम स्कूल. फिर सब कुछ वही. अब थर्ड सेंटेंस देख लीजिए आप. अ प्लीजेंट ब्रीज ब्लोज इन द मॉर्निंग, फ्यूचर टेंस में बनाना है. ठीक है, तो फ्यूचर टेंस देखा जाए कैसे बनेगा. अ प्लीजेंट ब्रीज ब्लू, सॉरी फ्यूचर टेंस बनाना तो विल ब्लो. विल ब्लो, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अ प्लीजेंट ब्रीज विल ब्लो इन द मॉर्निंग. अब ये पास्ट टेंस जब बनाना होगा तब हम कहेंगे अ प्लीजेंट ब्रीज ब्लू, वर्ब का सेकंड फॉर्म ब्लू. अ प्लीजेंट ब्रीज ब्लू इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो ये समझ करके बेटा करना है. अब देखिए, चाणक्य वॉज एन एडवाइजर. अब आगे मैं बोल रही हूं ध्यान दीजिएगा. चाणक्य वॉज एन एडवाइजर टू किंग चंद्रगुप्त मौर्य. वॉज आया है, प्रेजेंट टेंस बनाना है तो वॉज का हो जाएगा इज. अभी भी मैंने बताया था वॉज का हो जाएगा इज. चाणक्य इज एन एडवाइजर टू किंग चंद्रगुप्त मौर्य. फ्यूचर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? चाणक्य विल बी एन एडवाइजर. चाणक्य विल बी एन एडवाइजर टू किंग चंद्रगुप्त मौर्य. सुनिए, सुन करके लिखिए. रॉन्ग होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं वीडियो में बता रही हूं. आदित्य इज अ क्लेवर बॉय, पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा इसका? वॉज. आदित्य वॉज अ क्लेवर बॉय. फ्यूचर बनाना है, आदित्य विल बी अ क्लेवर बॉय. आदित्य विल बी, बीईबी, आदित्य विल बी अ क्लेवर बॉय. नेक्स्ट आइए, ओइंग टू एमनेसिया शी फॉरगॉट माय नेम. प्रेजेंट टेंस बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं. शी फॉरगॉट ये सिंपल पास्ट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉरगॉट का हो जाएगा फॉरगेट्स, एफ ओ आर जी ई टी एस. फॉरगेट्स इसलिए क्योंकि शी के साथ वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगता है. ओइंग टू एमनेशिया शी फॉरगेट्स माई नेम. फ्यूचर टेंस बनाना है तो ओइंग टू एमनेशिया शी विल फॉरगेट. शी विल फॉरगेट माई नेम. She will forget my name. Future tense.
फिर से सुनिए इसका प्रेजेंट टेंस. ओइंग टू एमनेशिया शी फॉरगेट्स माय नेम. FORGETS फॉरगेट्स. फ्यूचर टेंस. ओइंग टू एमनेशिया शी विल फॉरगेट. शी विल फॉरगेट. FORGET शी विल फॉरगेट. विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. शी विल फॉरगेट माई नेम. नेक्स्ट है देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी. प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है तो वॉज का कर दीजिए इज. हो गया. देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी. प्रेजेंट टेंस में चेंज हो गया. फ्यूचर टेंस में विल बी लगा दीजिए. देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी. अब है नैन्सी सिंग्स इन द स्कूल कॉर्ड. पास्ट टेंस करना है तो सिंग का सैंग हो जाएगा. नैन्सी सैंग. SANG सैंग. नैन्सी सैंग इन द स्कूल कॉर्ड. फ्यूचर टेंस करना है. नैन्सी विल सिंग. विल सिंग. विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. नैन्सी विल सिंग इन द स्कूल क्वायर. एस्ट्रोनॉट्स ट्राई टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून. फ्यूचर टेंस बनाना है तो एस्ट्रोनॉट्स विल ट्राई टू वॉक. एस्ट्रोनॉट्स के बाद विल लगा दीजिए. फ्यूचर टेंस बन जाएगा. पास्ट टेंस करना है. ट्राई का कर दीजिए ट्राइड. TRIED ट्राइड. एस्ट्रोनॉट्स ट्राइड टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून. अब है आई शैल हैव डिनर लेट टूडे. प्रेजेंट टेंस तो आप ऐसे कर दीजिए. सेंटेंस हालांकि बहुत सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बनाना है तो बनाया जाए. आई टेक माई डिनर लेट टूडे. हालांकि ये तो ऑलरेडी खैर ये फ्यूचर टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में आई टेक कर दीजिए. आई टेक माई डिनर लेट. या आई हैव माई डिनर. शैल हटा दीजिए ये भी सही है. शैल को हटा ही दो. आई हैव माई डिनर. माई डिनर लगा दो क्योंकि आई हैव डिनर कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है. आई हैव माई डिनर लेट टूडे. पास्ट टेंस बनाना है. शैल हैव को हटा के हैड लगा दीजिए. आई हैड डिनर लेट यस्टरडे कर दीजिए. टुडे का यस्टरडे कर दीजिए. ठीक है. अब बार बार सुन के इसको कंप्लीट करिएगा. इसको मैं ऐसा नहीं है कि मैं फोटो भेजूंगी. नहीं भेजूंगी. मैंने वीडियो में बताया है. आप सुनिए और करिए. ये एक्सरसाइज 2 भी है. इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है. इसको भी वीडियो में कराया जाएगा. तब तक चलिए ये एक्सरसाइज 1 हो गया. इसको सॉल्व करिए.